आजादी वाले दिन पाइए आजाद घर। हाँ जी, आज हम आपको घर के बारे में बताएंगे। जो घर ना ही आपको राइट से प्रॉब्लम होगी, ना ही लेफ्ट से प्रॉब्लम होगी, ना ही नीचे से, ना ही ऊपर से, जो कि घर पूरा का पूरा आपका ही होगा। मैं सिंधी शौर्य फ्रॉम ब्रिक होम। कैसे हैं फ्रेंड्स, होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जो मैं आज घर लेके आई हूँ, हाँ जी बात पे आप पॉइंट पे नोटिस कीजिए, घर, ये घर है ना कि फ्लैट है। तो जो ये घर है, ये पूरा का पूरा आपका ही घर होगा। पहले हम लोकेलिटी की बात करते हैं। लोकेलिटी आपका नवादा मेट्रो स्टेशन से हार्डली 700 मीटर इसका डिस्टेंस है। और यहाँ से मेन जो गली है आपकी, वो 20 फुट की गली है। मार्केट एकदम पास में है और आपका सारी एमिनिटीज़ आपको पास में ही मिलती हैं। तो ये जो घर है, बहुत ही बेस्ट लोकेलिटी के अंदर है। एक भरे पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा ये घर है। तो जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ, वो आपका पार्किंग एरिया है, आपका पर्सनल खुद का, सिर्फ अकेले के घर का खुद का पार्किंग एरिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी स्पेस है। तो सबसे पहले हम इस घर का आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाएंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये पूरी गेटेड सोसाइटी है। आप वहाँ देखिए, आपका गेट लगा हुआ है एंट्रेंस पे, आपको गेट नज़र आ रहा होगा। ये पूरी गेटेड सोसाइटी है एंड देन लास्ट में एंड पॉइंट आप ही का है। जो आपका घर है, वहाँ से ये गली बंद हो जाती है, ये एरिया भी आपका होगा। आप आराम से पार्टी फंक्शन यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आपके घर का फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहूँगी। लुक एट द एलिवेशन। तो आप देख रहे हैं इसका एलिवेशन कितना ब्यूटीफुल है। ग्रे एंड ब्राउन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है टाइल्स का। टाइल्स में आपका फास्ट नर यहाँ पे यूज़ किया गया है, ताकि आपकी लॉन्ग लाइफ तक टाइलें टिकी रहें। अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। तो आप ये देखिए, कितना अच्छा मजबूत यहाँ पे गेट लगा के दिया है, आपका पर्सनल गेट, आपकी पर्सनल पार्किंग। आइए आप ज़रा अपनी पार्किंग देखिए, काफ़ी स्पेशियस आपकी। इवन बड़ी से बड़ी गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, जो 50 गज के अंदर आपको इतनी बड़ी पार्किंग एंड फिर जड़ से घर बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। बहुत मौके की ज़मीन है। इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशली आपके लिए मैं निकाल के लेके आई हूँ ये इंडिपेंडेंट घर। तो आप, हम यहाँ से ही अपने एंट्री करेंगे तो हमारा एक लिविंग एरिया आता है, जो कि ऑल्सो बहुत स्पेशियस है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जाती हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आप इसके फॉल सीलिंग एरिया पे ज़रा ध्यान दीजिए, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल ये लिविंग एरिया लग रहा है इस फॉल सीलिंग की वजह से। फ़ैन हम आपको यहाँ पे लगा के देंगे, बहुत अच्छा यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है। यहाँ पे हम आपको पूरा एल शेप में आपका वॉल पेपर लगा के दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। मे बी शायद इस घर को वाइट एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया गया, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ग्लॉसी टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, जो ऑल्सो ग्लॉसी हैं एंड ब्राइट बनाती हैं आपके घर को। सब उसके बाद मैं आपको आपका किचन दिखाना चाहूँगी, जो कि बहुत स्पेशियस है। इवन बहुत स्पेशियस है। इससे पहले आप ये पार्टीशन देखिए, यहाँ पे आपका शॉपेसेस आप रखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे लुक एट द किचन, मतलब इतना स्पेशियस किचन 50 गज के अंदर आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको। एंड यहाँ पे आपकी सारी चीज़ों का आपका सेपरेटली सारा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे पत्थर, कटनी पत्थर यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपके यहाँ पे कटलरी सारे ड्रॉर्स दिए गए हैं, कटलरी ड्रॉर्स। आरओ का यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पे अपना आरओ लगाएंगे। आपको सिंक एरिया मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी टैब्स की फिटिंग मिलेंगी, हम सारी डोंट वरी आपको सब करके देंगे। आपका यहाँ पे किचन फुल्ली वेंटिलेटेड है फ्रेंड्स, पूरा यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिलेगा। आप वहाँ पे अपना एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको किचन के अंदर आपको अपना फ्रिज स्पेस भी मिल रहा है, मतलब आपका ये पूरा स्पेस आपका खुला रहेगा। आप यहाँ पे अपना फ्रिज लगाइएगा। स्विचेस आपको यहाँ दिए गए हैं, बहुत अच्छी ब्रांड के हम स्विचेस लगा के दे रहे हैं। तो उसके बाद हम
जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर हमारा वन बेडरूम है। तो वन बेड इस फर्स्ट बेडरूम का मैं आपको साइज दिखाना चाहूंगी, आप फ्रेंड्स का साइज देखिए कितना बड़ा इसका साइज है। एंड यहाँ पे वॉलपेपर हम आपको लगा के देंगे, काफी अच्छा वॉलपेपर लगा हुआ है। एक साइज को देखते हुए कन्वीनियंट अलमीरा यहाँ पे हम आपको देंगे, आप अपना यहाँ पे अगर बेड भी लगाते हैं तो आपका एज ए साइड टेबल का भी वो वर्क करेगी। काफी अच्छा यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे आप अपना फॉल सीलिंग देखिए फ्रेंड, फॉल सीलिंग कितना प्यारा डिज़ाइन है यहाँ पे आपके फॉल सीलिंग का, एकदम सिंपल सॉबर काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखिए। और डिज़ाइन के ऊपर भी यहाँ पे आपके पेंट किया गया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, थोड़ा यूनिक है। फैन आपको हम लगा के देंगे। बेड के आपके जस्ट फ्रंट में आपका आता है फुल वॉल का LCD पैनल, फुल साइज का ये LCD पैनल है। आप अपने काफ़ी बड़े साइज का LCD यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड आपके 100 पीसेस के लिए भी स्पेस दिया गया है, लाइट्स यहाँ पे लगा के दी गई है आपके पीसेस को इनहेंस करने के लिए। स्विचेस हम यहाँ पे आपको लगा के देंगे, मतलब टोटल आपको यहाँ पे ये LCD पैनल तैयार मिलेगा। उसके बाद हम आपके इस बेडरूम में आपको मिलता है आपका जॉइंट वॉशरूम। तो काफ़ी स्पेशियस ये वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको ये मिलेगा। बाथ फिटिंग एंड टैब्स एंड ऑल वगैरह हम आपको सब करके देंगे, डोंट वेरी। बाथरूम के ही आपके लेफ्ट साइड आपका शाफ्ट आ जाता है, देख रहे हो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है आपके वेंटिलेशन का। यहाँ पे आपका शाफ्ट एरिया आ जाता है जो कि ऊपर तक जाता है, आपके ऊपर भी जो बेडरूम्स होंगे वो वहाँ तक जाएगा। आप यहाँ पे अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, आपको यहाँ पे टैब्स एंड ड्रेन के लिए स्पेस दिया गया है। स्विचेस भी आपको यहाँ पे लगा के दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आप फ्रेंड्स अपना AC भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपका ये रूम फुल्ली वेंटिलेटेड, AC भी लगाओगे तो फुल ठंडा ठंडा रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जो कि इससे ऊपर है। तो लाइक अब स्टेयर्स भी देखिए, काफ़ी अच्छी स्टेयर्स बनाई गई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेस को देखते हुए बहुत छोटी बनाई गई है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्टेयर्स बनाई गई हैं, आराम से आप बच्चे भी आराम से चढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम रेलिंग्स आपको लगा के देंगे, जब आप अगर मतलब जब आप लेने आओगे तो हम आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या काम होगा। तो अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, आप देखिए कितना स्पेशियस इसका ये हॉल है, लाइक मैं लिविंग एरिया नहीं बोलूँगी, लाइक हॉल बहुत बड़ा 50 गज के अंदर ये बहुत बड़ा हॉल है। आप यहाँ पे अपना सोफ़ा लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है, उसके बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिलेगा। आप इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिया गया है, पूरे डिज़ाइनर एक तरीके से ये आपका स्मॉल विला बोल सकते हैं आप, 50 गज के अंदर आपको विला मिल रहा है। तो इस फ्लोर पे आपको मिलेंगे दो बेडरूम, तो जस्ट बैक साइड आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड देन सेकंड आपका बालकनी से अटैच है। तो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाऊंगी, आप ये बेडरूम का साइज देखिए कितना स्पेशियस ये बेडरूम का साइज है। वॉलपेपर आपको हम यहाँ लगा के देंगे, आई मीन ये वॉलपेपर भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लाइट है। एंड फॉल सीलिंग एरिया भी आप इस रूम का देखिए, फॉल सीलिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया गया है, ये जो प्रिंटेड यहाँ पे पेंट किया गया है बहुत अच्छा लग रहा है, इवन मतलब एक प्रीमियम लुक दे रहा है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑल्सो यहाँ आपका वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट हो गई है, आप यहाँ पे अपना AC भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो आपका शाफ्ट था काफ़ी खुला खुला सा शाफ्ट है, आपकी प्रॉपर एयर यहाँ तक आएगी। देन उसके बाद इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलता है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, इवन इसके सारे बेडरूम्स के साथ आपको वॉशरूम्स मिलते हैं, तो बेस्ट है आपके लिए। एंड इसका स्पेस देखिए, बाथ फिटिंग ऑल्सो हम आपको यहाँ करके देंगे। उसके बाद हम आपको इसका मास्टर बेडरूम दिखाते हैं जो कि बालकनी से अटैच भी है और जिसके अंदर वॉशरूम भी है, ठीक है। एंड लुक एट द साइज ऑफ द बेडरूम, बहुत स्पेशियस ये बेडरूम है, फॉल सीलिंग डिज़ाइन तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब आप देखो कितना प्यारा इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन है, वॉलपेपर भी यहाँ बहुत अच्छा लगाया गया है, बहुत अच्छी लुक दे रहा है इस बेडरूम का। एंड यहाँ पे आपको मिलता है आपका वॉशरूम तो आई मीन बहुत स्पेशियस है। एंड ये देखिए कितना स्पेशियस ही वॉशरूम है। और एंड इसके लिए आपको स्लाइडिंग डोर मिलता है फ्रेंड्स,
जो कि थोड़ा प्रीमियम लुक देता है, थोड़ा लग्जरी लुक देता है। यहाँ पे आपकी अलमीरा हमने आपको यहाँ पे दी है, साइड एज अ साइड टेबल आपको ड्रॉअर्स भी दिए हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है फुल विंडो, फुल साइज की विंडो, एंड इधर आपकी बालकनी है। यहाँ से भी आपका ये रूम प्रॉपर वेंटिलेटेड आपका रूम है। एक चीज़ आपने नोटिस की, सारे बेडरूम में वॉशरूम है, सारे बेडरूम में वेंटिलेशन है, और इससे ज़्यादा क्या ही मिलेगा। यहाँ पे आप अपना विंडो एसी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हमारी बालकनी एरिया आ जाता है। यहाँ पे आपकी स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है एज अ ग्रिल। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस घर का रूफ दिखाना चाहूँगी, इस घर की रूफ दिखाना चाहूँगी। जड़ भी दिखा दी मैंने आपको, मैं आप इसका रूफ भी दिखाऊंगी जो कि पूरी की पूरी आपकी ही रहेगी। तो यहाँ से भी आपकी स्टेयर्स दी गई हैं। यहाँ पे रेलिंग्स हम आपको लगा के देंगे, एकदम कंफर्टेबल ये स्टेयर्स हैं। एंड आपके रूफ पे भी आप देखिए हमने दरवाज़ा लगा के दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी छत आप ही की होगी, किसी के साथ कोई शेयर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पूरा घर ही आपका है। आप ये देखिए कितनी बड़ी साइज़ की ये छत है, काफ़ी अच्छी से इस छत को बनाया गया है। आप नीचे अगर फ्लोरिंग को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप ग्रास पे चल रहे हो। ये जो हमने पत्थर लगाया है ये थोड़ा ग्रास के प्रिंट में है, तो आपको ये लगेगा कि ऐसे ग्रास है। तो फ्रेंड, आपने इसका ग्राउंड फ्लोर देखा, आपने इसका फर्स्ट फ्लोर देखा, एंड आपने अभी छत देखी। तो अब हम इसके थोड़े से घर के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे आप इसको देखने आ सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मिनी विला, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड इसका रूफ भी आपका, इसका फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर भी आपका, एंड ग्राउंड फ्लोर भी आपका, टोटल की टोटल आप ही का ही रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये विला पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, इस इंडिपेंडेंट विला के ऊपर आप आराम से होम लोन करा सकते हो, बहुत आराम से ये आपके हाथों में आ सकता है। तो अगर आपको इसकी विजिट करनी है और इसका प्राइस जानना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी विजिट कीजिए, देर ना कीजिए। फ्रेंड, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छा स्पेशियस ये मिनी विला है, गेटेड सोसाइटी के अंदर एज यू कैन सी। एंड जल्दी से जल्दी आइए और अपने इस सपनों के घर को ले जाइए, इंडिपेंडेंट घर को ले जाइए इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।